मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 4/12/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न, शिव बाबा ही सबसे बोला गाहक है कैसे? शिव बाबा ही सबसे बोला गाहक है कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ। सो भी जब तब तुम मरने पर हो, तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें मालामाल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत, बोले ना से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे भोला नाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मूरा मणा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा गाहक मिलाओ। अब भोला नाथ बाप आकर के बच्चों को आदि मध्यंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा गाहक तुमको कभी मिल नहीं सकता। तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोला नाथ की महिमा होती है तुम माता पिता हम बालक तेरे। वे आकर के राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं, ये जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हो, जैसे सुनियारे होते हैं ना, सट्टा मट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते हैं, कचरा जो भी है दे शायद वह सब तुम्हारा लेता हूँ। तुम जब मरने पर हो, यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लगा हुआ है, इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर ग्रहण लगने से काला हो जाता है, तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ये तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो, नारायणी नशा रहता है, नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में, तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। ये समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते हैं, कितना धक्का खाते रहते। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को शास्त्रकार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अलग काल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता है, करता हूँ। दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं कि भगवान आया हुआ है। राजयोग, राजयोग सिखाने समझते हैं वह द्वापर में आया, तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहाँ से नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मनमना भव। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत, भक्ति मार्ग वालों का मन जीती जगत जीत है।
इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर के कहते हैं, बच्चे देह शायद देह के सर्व धर्म भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, ये सब बातें छोड़, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो, बाकी अब तो तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इनों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नबज देखनी है, सबके सामने एक जैसी बात नहीं रखनी है। बाबा कहे, मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वे जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे, कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, ग्रस्त भार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान रहो। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है, बाप को ही बाल बच्चे तो बहुत हैं, कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं, ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं, ग्रस्त भान में रहो परंतु पवित्र रहो, ये बात हो गई पवित्रता पर, सो भी इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रह, माँ में कम याद करो, रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो विषम पितामह मिसल हो गया, अच्छा बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रहे। बाबा कहते, गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं, ये तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो, कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे, यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। तो बाबा कहते, मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं, इसमें हिम्मत है बड़ी, अगर पक्के हो चलते रहो तो पदवी बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर मदार है, जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे वे पदवी भी अच्छा पाएंगे, बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं, ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से भी ऊंच जाएं, सो है नहीं, जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे, ये निमित बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना है, माना उदास नहीं होना है। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। बाबा कहे, सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं तो ये अपनी बातें हैं, नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, वही रचयिता है, वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं, तकदीर में हो तो समझे, बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है, कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा, आत्मा नाम तो है ना, तुम सबको बोलो ये राजयोग है, परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे, तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की बात ही नहीं, कहते भी हैं हमारी आत्मा को ना दुखाओ, माना दुखी मत करो, ये पाप आत्मा है पुण्य आत्मा है, आत्मा के लिए कितना कुछ कहते, देव आत्मा महान आत्मा, आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं है,
विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको शास्त्रकार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं, तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देश आए, देह के सभी मित्र संबंधियां आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, ब्रदरहुड। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, ये है राजाओं का, राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है। हम शांति में रहकर श्री शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना, अच्छा है बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती, जन्म मरण के चक्कर में आती, घड़ी घड़ी कर्म इंद्रिया का आधार लेना पड़ता। आत्मा स्टार है, भुरकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का शास्त्रकार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है, जो मुझे आत्मा का शास्त्रकार करवाया। अब आत्मा तो भुरकुटी के बीच में रहती है, शास्त्रकार किया ना किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता ही ना क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं, बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए, तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। बाबा कहे बहस नहीं करनी है, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। बल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है मामे को याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ भार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे, भगवानों वास है ना, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बाबा कहे बहुत पॉइंट है, एक ही समय नहीं निकल सकती, असामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को बोल मामेकम याद करो, वे है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप भी होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट है ना, ये सिमरन करने से सदा पॉइंट मिलती रहेगी, स्टीमर भरता रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का सामग्री भरता है ना, पॉइंट नोट कर रिवाइज करो। बाबा कहते बुद्धि रूपी बर्तन में भरते रहो, फिर पॉइंट नोट करो। ये है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए, अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे ना, आत्मा का रूप है परमात्मा का क्यों नहीं है। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है तो अब सर्विस करके दिखाओ, बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व के बादशाही। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहत बातें किसी से भी नहीं करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहत बातें किसी से भी नहीं करनी है,
अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान दुआ और दवा द्वारा तन मन धन की मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। आई बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदा खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने में टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। माना ज़्यादा को बड़ी बहुत सारी बातें हैं उसको हमने थोड़े में लेना है। तो बाबा आगे बच्चों को कहते हैं, आगे महावाक्य हैं जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने पांच विकारों को बसम कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता है। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता है। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई, मना तरीका नहीं बताया, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है, किसी मनुष्य का नहीं। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।